Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. Students, today we are doing the revision of our chapter Home Sweet Home. This is the story of the mole. Mole means insect, small animal with soft dark fur, a long nose and small eyes, which lives underground. जो underground रहते हैं. You can see here. Here it's a mole and it's a rat. एक दिन क्या होता है बेटा, मोल तंग आके अपना घर छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसका घर बहुत ही मैसी होता है और बहुत ही नैरो होता है और उसकी क्लीनिंग करना उसे बहुत मुश्किल लगता है. बट थोड़े ही टाइम बाद वो अपने घर को मिस करने लगता है, और अब जब अपने घर को मिस करने लगता है तो अपने घर को सर्च करने के लिए निकलता है रैट के साथ. तो उसे अपना घर मिल नहीं रहा होता है, लेकिन उसे अपने घर की स्मेल फील हो रही होती है. स्मेल फील हो रही होती है ना, और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, उसे अपना घर मिल जाता है और वो अपना घर पाकर बहुत ही खुश होता है. बेटा हम कहीं भी घूम लें, लेकिन अपना घर तो अपना ही होता है. सबको अपना घर अच्छा लगता है ना, तभी तो कहते हैं होम स्वीट होम. नाउ कम टू द बुक वर्क पार्ट. सी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, जो हमें ये बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है. और ये यूजुअली एक नाउन और प्रोनाउन होता है. यूजुअली कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, और यूजुअली सेंटेंस के बिगिनिंग में ही आता है. और प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बाद रिमेनिंग सेंटेंस होता है, इज़ द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विद द वर्ब, जिसमें वर्ब भी होती है वो प्रेडिकेट होता है. टेल्स अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट, और हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है. लाइक जैरिन लव्स पूरीज, हेयर जैरिन इज अ सब्जेक्ट एंड लव्स पूरी इज अ प्रेडिकेट. सी यू हैव टू डू द एक्सरसाइज. आई एट माई ब्रेकफास्ट, आई इज अ सब्जेक्ट, एट माई ब्रेकफास्ट इज अ प्रेडिकेट. रितिका इज राइटिंग अ लेटर, हेयर रितिका इज अ सब्जेक्ट एंड इज राइटिंग अ लेटर इज योर प्रेडिकेट. ओके नाउ कम हेयर. What here? The present tense. Present tense में क्या बताया गया है, He और she के साथ SES लगाओगी, यानी कि singular noun होगा तो SES लगेगा, और plural noun होगा तो SES नहीं लगेगा. और present continuous tense में क्या आएगा, Is am are और verb plus ing. और past tense में second form. See, if a subject is singular, its verb must be singular. यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी वर्ब भी सिंगुलर होगी. सी द चाइल्ड प्लेज हैप्पली, इफ अ सब्जेक्ट इज प्लूरल इट्स वर्ब मस्ट ऑल्सो बी प्लूरल. यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसकी वर्ब भी प्लूरल होगी. ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज. नाउ कम हियर. डू डज डिड, डू नॉट डज नॉट डिड नॉट. Do, did, don't plus subject plus verb. It means asking question. See, my brother does puzzles. Here, singular noun, so singular verb. My brothers, plural noun, plural verbs. Do. My brothers did puzzles, past, so we are using did. On the basis of this, you will do native sentences. Okay. Mall does not. Mall and rat do not. Mall and rat did not. And like this you will create the question. Helping verb come first and after then subject and then predicate. Okay. On the basis of this you will do this exercise. Vocabulary. In vocabulary what we will do? Replace the words in color with the correct words from the box. Here you will use similar words. Shirt ka similar, closed. Walk ka, stroll. Called, chilly. Neat, tidy. Joyfully, happily. Soon, quickly. Silent, quiet. So students, ये तो था हमारा book work. और notebook work में आपको क्या learn करना है, difficult words, word meaning and question answer. Firstly, आप क्या करोगे, अच्छे से chapter को read करोगे और उसके basis पे आप उसके notebook work को learn करोगे. Okay? Bye bye and have a nice day.